मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर के स्टेज वन की इकाई वन का 660 मेगावाट बिजली उत्पादन का लोकार्पण करते हुए आयोजित लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर बिजली पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि बाढ़ एनटीपीसी परियोजना को स्थापित करने के लिए विभिन्न बाधाओं दूर करते हुए मैंने बाढ़ में एनटीपीसी की शिलान्यास 6 मार्च 1999 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से कराया और इस परियोजना को मेरे क्षेत्र में स्थापित कराने का श्रेय पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम की है। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि बाढ़ के क्षेत्र से उनका लगाव अधिक है और वह अपनी राजनीतिक कर्मभूमि पर विकास का इतिहास बनाना चाहते हैं। इस मौके पर केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि एनटीपीसी लगातार बिजली उत्पादन को लेकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है और देश की नंबर वन कंपनियों में एक है, पर मैं चाहता हूं कि भविष्य में एनटीपीसी मल्टीनेशनल कंपनी बने। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि बिहार के लिए खास तौर पर बिजली की आपूर्ति एनटीपीसी के द्वारा की जा रही है और एनटीपीसी की भविष्य में जो भी है और सहयोग बन पड़ेगा वह केंद्रीय सरकार करेगी। सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि एनटीपीसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुख्यमंत्री श्री कुमार का लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाके में 20 से 22 घंटे और शहरी इलाके में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होता रहे तथा हर घर बिजली पहुंचे। मौके पर विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू, MLC नीरज कुमार, NTPC के SDM गुरमीत सिंह, केंद्रीय ऊर्जा विभाग सचिव आलोक रंजन, प्रधान सचिव चंचल कुमार, ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस, निदेशक परियोजना भट्टाचार्य, DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा सहित NTPC के सभी अधिकारी एवं परियोजना गण कर्मी मौजूद थे। पूरे देश में और पूरे बिहार में इसके बारे में सारी बातों की चर्चा कर दी गई। मुझे तो आपके बीच उपस्थित होने पर बड़ी खुशी हो रही और आज यहाँ इसके कार्यक्रम के उद्घाटन में आने का मौका मिला है तो आप समझ सकते हैं इसके लिए मुझको भीतर से कितनी खुशी होगी। अभी तो ललन बाबू कुछ बता रहे थे, आप एक बात आप जान लीजिए जिस बात को आप जानते हैं लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को भी जानना चाहिए। इस इलाके ने मुझको 5 बार MP बनाया, 1997, और आपकी सेवा करने का मौका मिला, देश की सेवा करने का मौका मिला। और जब 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस सरकार में मुझको मंत्री के रूप में काम करने का, रेल मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। और कुछ ही समय उसके पहले तो जहां घूमना था सब दिन हम घूमते ही रहे हैं और यहां के बारे में तो मन में सारी बातें थी कि भाई कितना हम कर सकते हैं। जब केंद्र में बने तो केंद्र से जो भी संभव था वो काम करते रहे और किया भी, लेकिन इसके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात आई। जब हम केंद्र में रेल मंत्री बने तो उस समय के जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में रंगराजन कुमार मंगलम जी हमारे मित्र भी थे। अब वो आए मेरे पास और अपने इलाके के बारे में जो भी उनका रेल से संबंधित कितना मामला था एक एक करके बोलते रहे और हमने अधिकारियों को भी बुला लिया था, एक एक को सैंक्शन हम करते थे। उनका 5 काम था, 5ों को एक दिन के ही बातचीत में हमने सैंक्शन कर दिया। वो इतना प्रसन्न हुए कहे कि भाई हमको तो लगा नहीं था कि कोई मेरी इतनी बात मान लेगा, इतना खुश होकर के वो चले गए। और उसके कुछ ही दिन के बाद जब चल रहा था पार्लियामेंट उसी बीच में एक जगह हमको आकर के बोले कि अरे भाई हम आपके यहां लगाएंगे थर्मल पावर प्लांट आपके क्षेत्र में, आप जगह बता दीजिए। तो मुझे ये देख करके मुझे खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि उस समय तक की तो नीति दूसरी थी कि भाई जो पिटहेड वाली पर ही ताप विद्युत केंद्र बने,
तो मुझको लगा कि भाई आप तो ऐसी बात कह रहे हैं, तो आजकल का जो नियम है तो उसके हिसाब से कैसे। तो उन्होंने कहा कि इसको छोड़िए ना, हमने निर्णय ले लिया है कि आपके क्षेत्र में हम जरूर बनाएंगे। तो हमने कहा इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, आपने जो ऑफर किया है ये बड़ी प्रसन्नता की बात। काके का और जो हम तो जानते ही कि निजी इलाके में सब ज्यादा जगह है, लेकिन उन लोगों ने देख करके ही बताया पूरा 100 किलोमीटर चक्कर लगाने के बाद, और कहा कि देखिए गंगा नदी के किनारे है और सड़क और रेलवे लाइन की पर्याप्त जगह है, यहाँ पर बन जा सकता है। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है इस जगह का चयन। और समझ लीजिए ये सब 98 की बात है, 98 से 99 के शुरुआत में सब कुछ का चयन होंगे। तो बड़ी प्रसन्नता हुई और उसके बाद श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से, अटल जी से बातचीत हुई, कहा कि एकदम ठीक है और शिलान्यास करने की बात आ गई। तो जब शिलान्यास करने के लिए बात हो गई और ये तय हो गया कि ये बनेगा 660 मेगावाट का 3 यूनिट 1 यूनिट, ये उन लोगों ने तय, उन्होंने तय कर दिया था ऊर्जा विभाग ने, और इसके लिए हुआ कि अब इसका शिलान्यास करने के लिए जाएं। अब जब हुआ कि भाई तब शिलान्यास होगा तो अभी तो जमीन को लेना, उसका उसको जमीन को उपलब्ध कराना, तो वो तो फिर अभी दिक्कत, उसके लिए तो पूरा काम करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से फिर जब ये बात आई पूरे देश में और पूरे बिहार में, इसके बारे में सारी बातों की चर्चा कर दी गई। मुझे तो आपके बीच उपस्थित होने पर बड़ी खुशी हो रही, और आज यहाँ इसके कार्यक्रम के उद्घाटन में आने का मौका मिला है, तो आप समझ सकते हैं इसके लिए मुझको भीतर से कितनी खुशी होती। अभी तो ललन बाबू कुछ बता रहे थे, आप एक बात आप जान लीजिए जिस बात को आप जानते हैं लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को भी जानना चाहिए। इस इलाके ने मुझको 5 बार MP बनाया 1989, और आपकी सेवा करने का मौका मिला, देश की सेवा करने का मौका मिला। और जब 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उस सरकार में मुझको मंत्री के रूप में काम करने का, रेल मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। और उसी समय, उसके पहले तो जहां घूमना था सब दिन हम घूमते ही रहे हैं, और यहां के बारे में तो मन में सारी बातें थी कि भाई कितना हम कर सकते हैं। जब केंद्र में बने तो केंद्र से जो भी संभव था वो काम करते रहे और किया भी, लेकिन इसके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात आई। जब हम केंद्र में रेल मंत्री बने तो उस समय के जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, रंगराजन कुमार मंगलम जी हमारे मित्र भी थे, अब वो आए मेरे पास और अपने इलाके के बारे में जो भी उनका रेल से संबंधित जितना मामला था एक एक करके बोलते रहे, और हमने अधिकारियों को भी बुला लिया था, एक एक को सैंक्शन हम करते थे। उनका 5 काम था, 5ों को एक दिन के ही बातचीत में हमने सैंक्शन कर दिया। वो इतना प्रसन्न हुए, कहे कि भाई हमको तो लगा नहीं था कि कोई मेरी इतनी बात मान ले, इतना खुश होकर के वो चले गए। और उसके कुछ ही दिन के बाद जब चल रहा था पार्लियामेंट, उसी बीच में एक जगह हमको आकर के बोले कि अरे भाई हम आपके यहां लगाएंगे थर्मल पावर प्लांट आपके क्षेत्र में, आप जगह बता दीजिए। तो मुझे ये देख करके मुझे खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि उस समय तक की तो नीति दूसरी थी कि भाई जो पिटहेड वाली पर ही ताप विद्युत केंद्र बने। तो मुझको लगा कि भाई आप तो ऐसी बात कह रहे तौर पर होगा। और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी आर के सिंह साहब ने बताया, आपको सब चीज के बारे में बताया, एक एक चीज के बारे में सब कुछ बताया गया। तो हर तरह से अब जब काम शुरू हो गया और कितना प्रोडक्शन हो रहा, आज जो हम लोग देखने गए तो 660 मेगावाट का है, आज 660 मेगावाट से ज्यादा, आप समझ लीजिए आज ही देखा 678 मेगावाट, आप जब सोचिए 678 मेगावाट का।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया काम हो रहा। इसके लिए तो मैं विभाग को बहुत बधाई देता हूं, आरके सिंह साहब को और पूरे एनटीपीसी को, सब लोगों को हम विशेष तौर पर बधाई देता हूं, इन्होंने जो काम करना शुरू किया तो आज कितनी खुशी की बात है। तो आप ये समझ सकते हैं, इसलिए सब लोगों को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। और ये सब काम यहां पर अब शुरू हो गया है और इसी तरह से कई काम जब यहां पर हम लोगों ने, आप जानते हैं एक बात जान लीजिए, और जब बाढ़ का काम आई, बाढ़ का काम कौन, जब हम आपको बता दिए रंगराजन कुमार मंगलम जी अभी दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमको कहा और तब जाकर के यहाँ का तय हुआ। लेकिन जब ये सब तय हुआ था उस समय औरंगाबाद में ये चर्चा शुरू कराया गया कि पहले से औरंगाबाद तय था कि औरंगाबाद का बंद करा के कि बाढ़ का कर दिए, ये सब अफवाह फैलाना शुरू किया। हमने कहा भाई तो बड़ी गलत बात है। और जब ये अफवाह फैलाना शुरू हुआ तो उसके बाद हमने तय किया कि देखिए हम गए औरंगाबाद, हमने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है लेकिन हम औरंगाबाद के लिए भी करेंगे। और रेल मंत्री के रूप में हम लोगों ने औरंगाबाद के लिए भी एक वहां पर बिजली स्थापित करने का 1000 मेगावाट का हमने तय करवा दिया और उस पर काम भी शुरू कर दिया। 3 यूनिट पूरा हो चुका, ये सब चीजें बात तय हो गई, ये काम शुरू करवा दिया। और उसके बाद जब इस राज्य में सरकार हम लोगों की चल रही थी उसके बाद फिर हमने कहा, वो तो हम रेल मंत्री के रूप में किए थे, अब बिहार सरकार की तरफ से औरंगाबाद में भी हम लोगों ने 660 मेगावाट का 3 यूनिट का यूनिट हम लोगों ने तय किया और एनटीपीसी के साथ पूरा समझौता हुआ, 50-50 इसमें पार्टिसिपेशन रहा और उस पर काम शुरू हुआ और 2012 में उसका शिलान्यास किया। इतने तरह की वहां समस्या आई थी, सब समस्या का समाधान हुआ और वहां पर काम शुरू हुआ। लेकिन बाद में आप जानते ही हैं, जब हमारे आरके सिंह जी केंद्रीय मंत्री रहे, एक बात हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग बिहार में तो बहुत काम कर, अभी तो आपको सब कुछ बता दिया है। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई ये राज्य सरकार करेगी तो इससे अच्छा है कि क्यों नहीं पूरा का पूरा हम एनटीपीसी को दे। तो शुरू में तो एनटीपीसी को लगा कि भाई ये काहे हम लोगों को करिएगा, फिर बड़ा आग्रह किया, इनके साथ बहुत बात हुई तो इन लोग एग्री किए, एग्री करके हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से सारा यूनिट हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, उन्होंने स्वीकार कर दिया और तेजी से और काम करा दिया। आज सब जगह का काम पूरा हो गया और यहाँ का भी काम पूरा हो रहा और जो जानते हो औरंगाबाद का का भी काम हो गया, तो एक एक जगह का काम हो गया। और आप जानते हैं कि अब तो बिहार में एनटीपीसी की तरफ से काफी दिया जा रहा है, 6000 मेगावाट से 7300 लग गया, तो उसका जो भी है और आप चालू होगा। तो अभी तो आप जानते हैं, एक बात और भूलिएगा मत, कौन कौन लोग बिना मतलब का प्रचार करते रहता है उल्टा पुल्टा, आज मौका मिला तो हम आज आपको कह दिए। अब पहले कि क्या था, जब उन लोगों को काम करने का मौका मिला तो 2005 में यहाँ कितनी बिजली की खपत थी। इस तरह के तमाम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।